जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। ये जैसा कि डी फार्मा की एक अपडेट आई है, तो अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये जो डी फार्मा है, इसकी जो ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करने की डेट है वो कितनी है, तो ये आप लोग देख लीजिए। डी फार्मा वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अपडेट आई है। ऐसा कि देख लीजिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के जो स्नातक प्रवेश सत्र जो 24-25 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम ऑनलाइन सीट कंफर्मेशन फ़ीस जमा करने की जो विस्तारित मतलब जो डेट है वो बता दी गई है। तो ये जो डेट है भैया, डी फार्मा की लास्ट डेट है ये अब लोग 29/7/2024 कर दी गई, और ये डी फार्मा की डेट है। देख लीजिए, पूरी न्यूज आपको बताया दे रहा हूँ भैया। डी फार्मा वालों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश के अंतर्गत डी फार्मा के ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतर्गत अभ्यर्थियों हेतु पाठ्यक्रम की ऑनलाइन फ़ीस जो जिनका जिनका नाम आया, जिनका जिनका अलॉटमेंट लेटर आया है, तो वो लोग जिनकी 25 तारीख अंतिम तिथि मतलब जिसका नाम आया था उसकी जो डेट थी फ़ीस सबमिट करने की वो 25 तारीख थी। तो अभी भैया 4 दिन का टाइम और मिल गया आप लोगों का फ़ीस सबमिट करने का। तो ये देख लीजिए भैया, आप लोग फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा, 29 तारीख तक कर दी गई। अभ्यर्थी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पर जा कर के अपने जो आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके जो है फ़ीस जमा कर सकते हैं। जैसे फ़ीस जमा करेंगे आप लोगों का अलाटमेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का अलाटमेंट लेटर आएगा जैसे ही फ़ीस जमा करते हैं, उसके बाद में आप लोग जो है यूनिवर्सिटी जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन करवा लेंगे। उसके बाद में भैया आप लोग जो है रेगुलर कॉलेज मिल जाएगा। तो भैया सबसे पहले आप लोग फ़ीस सबमिट करिए, उसके बाद में फ़ीस स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स का एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया, तो आप देख सकते हैं जो है रजनीश सर ने अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स का वीडियो, देख लीजिए। और जो भी जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डाउट होता है आप लोग वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।